गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में आपने नहीं बोला और आप बोल भी नहीं पाएंगे। थैंक यू सर। दीज आर ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वॉइस ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट्स। पेगासस के जिन को जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट से निकाला वैसे ही भारत की सियासत में हंगामा मच गया। विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर मोदी सरकार आ गई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने मंत्री से लेकर संतरी तक, नेताओं से लेकर पत्रकारों तक, बहुत से लोगों के फोन के जरिए उनकी जासूसी की है। हालांकि पिछले साल जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो मुद्दा ठंडा हो गया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद एक बार फिर देश की संसद में सियासी शोर शुरू हो गया। जुडिशरी, द इलेक्शन कमीशन, पेगासस, दीज आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वॉइस ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट्स। व्हेन यू अप्लाई पेगासस on an Indian politician, when the Prime Minister personally goes to Israel and authorizes the use of Pegasus in India, he is attacking the people of Tamil Nadu, he is attacking the people of Assam, he is attacking the people of Kerala, he is attacking the people of Bengal. पेगासस पर आई न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में इसराइल के दौरे पर पहुंचे थे तब भारत ने इसराइल के साथ करीब 15,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील की थी। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस भी उसी डील का हिस्सा था। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि पेगासस की डील के बदले में भारत ने पहली बार इसराइल फिलिस्तीन विवाद में इसराइल का पक्ष लेते हुए जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के खिलाफ मतदान किया था। यही वजह है कि पीएम मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के रिश्तों में गर्मजोशी वाले फ्रेम पूरी दुनिया को दिखाए जा रहे थे। समंदर की लहरों के बीच भारत और इजराइल के बीच मजबूत होती दोस्ती का एक कारण पेगासस बताया गया। क्या ये बात सही है कि वर्ष 2017-18 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसराइल गए थे तो उस समय पेगासस को खरीदना सुनिश्चित किया गया था? दूसरा, अगर पेगासस खरीदा गया है तो भारत सरकार के किस विभाग ने उसका दाम चुकाया है? क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, जिसका बजट 850 करोड़ हो गया था वर्ष 2018-19 में, उन्होंने इसकी कीमत अदा की है या किसी और विभाग ने इसकी कीमत अदा की है? क्या ये बात सही है कि इस पेगासस का इस्तेमाल अवैध तरीके से भारत के नागरिकों के खिलाफ किया गया? भारत में पेगासस के मुद्दे पर सरकार बार बार कह चुकी है कि उसने पेगासस जैसा कोई स्पाईवेयर नहीं खरीदा और इसराइल सरकार ने ये बात कभी नहीं मानी कि उन्होंने पेगासस को लेकर भारत से कोई डील की थी। लेकिन विपक्ष सरकार की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष के आरोप हैं कि 2019 में पेगासस के जरिए सरकार ने सैकड़ों पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कई राजनेताओं के फोन की जासूसी करवाई। पेगासस के जरिए देश में जिन लोगों की जासूसी की गई उनमें 40 पत्रकार, राहुल गांधी सहित विपक्ष के 3 बड़े नेता, संवैधानिक पद पर बैठे 1 व्यक्ति, 2 केंद्रीय मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व हेड समेत कई बिजनेसमैन शामिल हैं। पेगासस के शिकार लोगों के फोन के व्हाट्सएप समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को हैक किया गया। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? गृह मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में बताया था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भारत ने पेगासस खरीदा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस खुलासे की क्रोनोलॉजी समझाते हुए इसे देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश बताया। सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में केंद्र सरकार ने पेगासस के जरिए किसी भी तरह की जासूसी के आरोपों का खंडन किया था। पिछले साल 18 जुलाई को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में पेगासस को दिए बयान में क्या कहा, एक बार और सुनिए। If the numbers in the published list were under surveillance,
Second, the company whose technology was allegedly used has denied these claims outrightly. And the time-tested procedures of our country are well established to ensure that unauthorized surveillance cannot occur. Honorable Speaker, sir, when we look at this issue through the prism of logic, it clearly emerges that there is no substance whatsoever behind this sensationalism. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thanks by all parties. अश्नवी वैष्णव ने भारत सरकार के साथ साथ पेगासस को बनाने वाली कंपनी एनएसओ का भी पक्ष देश के सामने पेश कर दिया, लेकिन विपक्ष अपने आरोपों पर कायम रहा। पेगासस पर बढ़ते सियासी संग्राम के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। 27 अक्टूबर 2021 में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आरवी रविंद्रन को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। कमेटी ने पेगासस के प्रभावितों को समिति से 7 जनवरी 2022 तक संपर्क करने को कहा। इसमें प्रभावितों के डिवाइस को जांचने के लिए भी मंगाने की बात कमेटी ने कही थी। सूत्रों के मुताबिक पेगासस जासूसी से प्रभावित कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा पेश किया है कि उनके फोन में जासूसी की पुष्टि होती है। दरअसल इन लोगों ने अपने फोन की फोरेंसिक जांच के लिए कुछ तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली थी, जिसमें ये बात सामने आई कि उनके फोन के डेटा के साथ छेड़छाड़ हुई है। पेगासस को दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसी सॉफ्टवेयर माना जाता है। ये न सिर्फ फोन में जाकर चैट पढ़ सकता है, बल्कि फोन में मौजूद वीडियो भी देख सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में अभी समय है, लेकिन विपक्ष का शोर चुनाव के मौसम में सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। आज तक ब्यूरो।